सबसे रूखा बर्ताव अपने ही घर में घिर गई कनाडियाई सरकार। जस्टिन ट्रूडो के भारत में रुख पर जबरदस्त बवाल, अब कैसे संभलेंगे हालात? कनाडा में खालिस्तानियों के हौसले बुलंद, क्यों मजबूर है कनाडा आईपीएल? कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो भारत में G20 शिखर सम्मेलन का हिस्सा बनने के लिए आए थे, लेकिन वो सम्मेलन के समापन के बाद भी दो दिन तक यहाँ भारत के ही मेहमान बने रहे, क्योंकि उनके प्लेन में खराबी आ गई थी। अब वो कनाडा पहुँच तो गए हैं, लेकिन अपने ही देश में भारत में अपने रुख को लेकर घिर गए हैं। कैसे, देखिए रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैसी शख्सियत हैं जिन्हें सिर्फ भारत की 80% जनता ही नहीं बल्कि विश्व की कई बड़ी सुपर पावर्स भी बहुत मानती हैं। ऐसा कि पीएम मोदी बस कह भर दें तो वो बात पत्थर की लकीर हो जाती है, क्योंकि दुनिया पीएम मोदी पर यकीन करती है। पीएम मोदी ने इस भरोसे को कमाया है, विश्व में अपने नाम का डंका बजवाया है, जिससे भारत का रुतबा पूरे विश्व में बहुत ज्यादा बढ़ा है। लेकिन कनाडा में खालिस्तानियों को भारत की नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ जहर उगलने से रोकने में पीएम जस्टिन ट्रूडो असफल रहे हैं, इसलिए शायद वो भारत में सभी से कटे कटे रहे हैं। मतलब जहां नई दिल्ली में इकट्ठे हुए अलग अलग देशों के राष्ट्राध्यक्ष पीएम मोदी से हाथ मिला रहे थे, पीएम मोदी को गले लगा रहे थे, उनसे गर्मजोशी से मिल रहे थे, सफल आयोजन के लिए उन्हें बधाइयां दे रहे थे, वहीं जस्टिन ट्रूडो मानो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हाथ मिलाने से भी कतरा रहे थे। चेहरे पर झूठी मुस्कान सभी को साफ नजर आ रही थी, और उसके बाद उनके प्लेन में खराबी भी तो आ गई, जिस वजह से जस्टिन ट्रूडो को दो दिन ज्यादा भारत का मेहमान बनना पड़ा। लेकिन अब जब उनका स्वदेश वापस लौटना हो गया तो उनके ही देश में भारत से पंगा लेने के लिए उन पर सवालों की बौछार कर दी गई है। खालिस्तानियों के प्रति उदारवादी रवैया रखने के लिए भारत से पंगा लेने वाले जस्टिन ट्रूडो अपने ही देशवासियों के निशाने पर आ गए हैं। उन्हें भारत में अपना ये रूखा रुख लग रहा है जैसे अच्छा खासा भारी पड़ रहा है। कनाडा के सस्केचवान प्रीमियर स्कॉट मो की सरकार ने ट्रूडो पर भारत के साथ संबंधों को नुकसान पहुंचाने का बड़ा आरोप लगाया है। इसके साथ ही व्यापार वार्ता के बारे में प्रांतों को अंधेरे में रखने की भी बात सामने आई है। मो ने जस्टिन ट्रूडो के भारत में रुख को लेकर उनके खिलाफ बकायदा एक चिट्ठी जारी की है। इसमें सस्केचवान के व्यापार मंत्री हैरिसन ने तर्क दिया कि ट्रूडो घरेलू राजनीतिक लाभ के लिए भारत के साथ लड़ाई कर रहे हैं। उनके इस रवैये की वजह से प्रांत के सबसे महत्वपूर्ण निर्यात बाजारों में से एक तक की पहुँच खतरे में पड़ गई है। सीबीसी कनाडा के मुताबिक पत्र में हैरिसन ने लिखा है, किसी और नतीजे पर पहुंचना मुश्किल है कि आपकी सरकार ने एक बार फिर अपने घरेलू राजनीतिक हितों को राष्ट्रीय आर्थिक हित से आगे रखा है, खासकर जब ये पश्चिमी कनाडियाई निर्मित वस्तुओं के निर्यात और व्यापार से संबंधित है। वहीं कनाडा की मीडिया भी न सिर्फ ट्रूडो को बुरा भला सुना रही है बल्कि विदेश नीति के मोर्चे पर ट्रूडो को पूरी तरह से विफल बता रही है। कनाडा के मशहूर अखबार टोरंटो सन के राजनीतिक स्तंभकार लोरने गुंचर ने बताया, ट्रूडो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ एक छोटे भाई की तरह व्यवहार कर रहे थे, जैसे कि मोदी किसी निम्न देश के नेता हों। लोरने गुंचर ने फिर ये भी कहा, मोदी जहां 140 करोड़ आबादी वाले देश के प्रधानमंत्री हैं, वहीं ट्रूडो 4 करोड़ से भी कम आबादी वाले देश के पीएम हैं। फिर गुंचर ने ट्रूडो के रवैये और अंदाजे बयां का मजाक उड़ाते हुए कहा, ट्रूडो ये भी भूल गए कि भारत दुनिया की पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, जिसकी जीडीपी 3.16 ट्रिलियन यूएसडी है, जबकि कनाडा सिर्फ 1.988 ट्रिलियन यूएसडी वाली इकोनॉमी है। फिर गुंटर ने एक छोटे से द्विपक्षीय देश कोमोरोस के राष्ट्रपति अजाली ओसुमानी का जिक्र करते हुए कहा, ट्रूडो से ज्यादा दमदार तो ओसुमानी निकले, जो सिर्फ 8 लाख की आबादी वाले 3 द्वीप समूहों का प्रतिनिधित्व करते हैं, लेकिन पीएम मोदी ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया और ट्रूडो से ज्यादा देर तक वैश्विक मंच पर उनसे बात भी की। गुंटर ने ये भी कहा, 2015 में जब ट्रूडो कनाडा के प्रधानमंत्री बने थे तब वो सड़कों पर उतरकर लोगों से खुले तरीके से मिल रहे थे, तब लग रहा था कि वो बड़ा बदलाव लाएंगे, लेकिन विदेश नीति के मोर्चे पर वो पूरी तरह से फेल रहे हैं। उन्होंने अपने कार्यकाल में दूसरी बार भारत की यात्रा की है, लेकिन दोनों ही दौरे विदेश नीति के मोर्चे पर विफल रहे हैं। जस्टिन ट्रूडो ने अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर खालिस्तानियों को छूट दी हुई है। यही तो बात है जो भारत को सबसे ज्यादा खर रही है, और भारत ने साफ कहा हुआ है कि भारत की अखंडता से खिलवाड़ करने के बारे में कोई सोचेगा भी तो वो भारत के लिए कभी सगा नहीं हो सकता। और जस्टिन ट्रूडो अगर अपने देश में भारत के खिलाफ खालिस्तानियों को बढ़ावा देना चाहते हैं तो फिर भारत से कोई उम्मीद कैसे रख सकते हैं? हालांकि अपने इस रवैये के लिए वो अपने ही देश में घिर गए हैं,
विपक्ष और मीडिया ने ट्रूडो के भारत में रवैये के लिए उन्हें खूब खरी खरी सुनाई है। वहीं खालिस्तानियों के हौसले ट्रूडो के रुख से और ज्यादा बुलंद हो गए हैं, जिसका खामियाजा निश्चित तौर पर पीएम ट्रूडो को ही भुगतना होगा। गुरुवार को सिख फॉर जस्टिस के गुरपतवंत सिंह पन्नू ने एक रिलीज जारी की है और कहा है, G20 के दौरान प्रधानमंत्री ट्रूडो ने कैनेडियाई सिखों का पक्ष लिया और कहा कि उन्हें शांतिपूर्ण ढंग से खालिस्तान की मांग करने का अधिकार है। अब जब पन्नू को ये बात पता चल गई है तो फिर अब जस्टिन ट्रूडो के रोके नहीं रुकेंगे ये खालिस्तानी। उनको तो ट्रूडो ने भारत में अपने रुख से और ज्यादा छूट दे दी है, जिसके लिए भरपाई ट्रूडो को ही करनी पड़ेगी, क्योंकि भारत तो अपने देश को कैसे सुरक्षित रखना है ये अच्छी तरह से जानता है। इन खालिस्तानियों को कैसे चकमा देना है, इनके होश कैसे ठिकाने लगाने हैं, भारत अच्छी तरह से जानता है। वैसे जस्टिन ट्रूडो के भारत के रुख के बारे में आपका और क्या कुछ कहना है? और जिस तरह से अपने देश में पहुंचकर उन्हें घेर लिया गया है, सवालों के तीर छोड़े जा रहे हैं और जस्टिन ट्रूडो निशब्द नजर आ रहे हैं, इस पर आपके विचार हमें कमेंट कर जरूर बताएं और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।